संसद के बजट सत्र का 14 दिन ब्रिटेन यात्रा से लौटे राहुल गांधी आज संसद पहुंचेंगे। लंदन में दिए बयानों पर सफाई दे सकते हैं। संसद में चल रहे बजट सत्र के दूसरे पेज का 14 दिन है। आज राहुल गांधी भी संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। वे बुधवार को ही अपनी ब्रिटेन यात्रा से लौटे हैं। लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर सोमवार से ही सत्ता पक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल आज सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। वहीं विपक्षी अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा है। इसके चलते तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई नहीं हो पाई। सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में दोनों सदनों में 35 बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इनमें लोकसभा के 9 राज्य और राज्यसभा के 26 हैं। संसद सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा और कांग्रेस के बीच राहुल और अडानी मुद्दे को लेकर जमकर टकराव हुआ। भाजपा ने जहां एक बार फिर लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर उनसे सदन में माफी की मांग की, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। आखिरकार हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे चेयरमैन साहब हमेशा रूल्स की बात करते हैं, तो किस रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, ये काम सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीज़ें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।